आहा केमिस्ट्री। तो बेटा हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन चेक कर रहे थे ना एलो एल्किन का। तो बेटा जब आप जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है NaOH RKOH क्लियर पूरा कर, अधूरा मत पढ़ भाई। NaOH KOH को बेटा अगर आप इन प्लेस आप एक्वस मीडियम अगर अल्कोहलिक मीडियम में लेते हैं बेटा, अल्कोहल ले ले रहा हूं मैं यहां ROH अल्कोहलिक मीडियम, तो बेटा आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट जेई एग्जाम्स के लिए। 12th बोर्ड में पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, समझे बच्चे। तो बेटा NaOH KOH को अल्कोहलिक मीडियम में ले रहे हैं बेटा आप, तो जो रिएक्शन अगर आप हेलो एल्केन पे कराएंगे RCH2Cl, ओके, और अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं बेटा आप, तो पूरी स्टोरी बदल जाती है, पूरा प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाता है बेटा। जो जनरली सब्स्टिट्यूशन होता है अल्कोहल बनना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, लेकिन अल्कोहल ना बन के सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन होता है। तो बेटा अल्कोहल NaOH का यूज करेंगे तो आप एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा एल्कीन दिस। तो बेटा ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाई व्हेन इन प्लेस ऑफ एक्वस NaOH और एक्वस KOH वी टेक अल्कोहलिक NaOH और अल्कोहलिक KOH, देन इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ऑप्टेन। अब एलिमिनेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेडजेप रूल से बनेगा, कल बता चुका हूं मैं। अभी एक हाफमैन रूल की भी चर्चा करूंगा बेटा सेडजेप रूल के बाद। तो आज का हेडिंग है बेटा अपना, हेडिंग काउंट कर लीजिएगा, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। ओके, हेडिंग 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 बना लीजिए बेटा, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन। इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी काउंट करे, काउंट कर ले हेलो एल्केन। बहुत इत्मीनान से दे रहे, इत्मीनान से भाई। तो बेटा जब आप अल्कोहली NaOH या अल्कोहली KOH लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, बोर करूंगा एलिमिनेशन हो रहा है, तो उसके पीछे का राज क्या है बेटा? देखो ये बेटा, जब आप हेलो एल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक NaOH या KOH से कराएंगे तो बच्चे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बेटा। वो फैक्टर्स है द नेचर ऑफ हेलो एल्केन, वो फैक्टर है द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जैसे एक्वस लिए हो या अल्कोहलिक लिए हो, और वो नेचर है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे बेटा अगर आप NaOH ले तो एक्वस NaOH, तो इसमें जो बेस है बेटा वो OH माइनस है, लेकिन अगर आप अल्कोहलिक NaOH ले रहे हो, ध्यान देना अब ये रिएक्शन क्यों ऐसी हो रही है। देखो केवल आप एक्वस NaOH ले रहे हो तो बेस कौन है भाई? हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन बेटा आप अल्कोहली NaOH ले रहे हो, ध्यान देना अल्कोहल कोई भी आर के प्लेस पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल टर्सरी ब्यूटाइल, ये आर आप इमेज कर लीजिए गया। तो बेटा अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक का ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहलिक सॉल्वेंट है तो ये अल्कोहल हो गया, और साथ में बेटा NaOH, याद रखिए बेटा अल्कोहल में ये एसिडिक हाइड्रोजन है भाई, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज होगी और इसके प्लेस पे बेटा सोडियम आ जाएगा, तो बनेगा बेटा जब भी आप अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, अल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग बेस रखते हैं तो बेटा एल्कोक्साइड साल्ट बनता है बेटा एल्कोक्साइड, तो ये बना बेटा RONA। ध्यान देना मेरी बात, जब आपने NaOH को अल्कोहल सॉल्वेंट में लियो और NaOH को एक्वस सॉल्वेंट में लियो, NaOH इन एक्वस सॉल्वेंट तो बेस कौन सा आएगा बेटा OH माइनस,
NaOH एक्वस सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा? OH माइनस। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा? ये लुईस बेसिस होते हैं, ठीक है, लोन पेयर डोनेट करते हैं, ओके। लेकिन अगर आपने अल्कोहल के साथ NaOH लिया हो, देखो NaOH अगर वाटर में लिए हो तो न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस OH माइनस होगा। हेडिंग क्या है देख ले, द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, पढ़ ले, टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, पढ़ ले, और पढ़ ले छोटे हैं। अल्कोहल पे बेटा जब आप NaOH, अल्कोहल और NaOH का जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो देगा एल्कोक्साइड आयन। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन है ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझना, ये RO- माइनस प्लस Na+, प्लस सोडियम है तो सोडियम प्लस, पोटेशियम है तो पोटेशियम प्लस। देखिए बेटा NaOH को एक्वस मीडियम में लेंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक तो न्यूक्लियोफाइल ही करेगा, किस पर? हेलो एल्केन के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन पर या डेल प्लस कार्बन पे। लेकिन अगर आपने NaOH को अल्कोहल सॉल्वेंट में लिए हो तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? आर ओ एन ए, आर ओ एन ए फिर डिसोसिएट होगा, क्योंकि बेटा अल्कोहल है वीक एसिड और वीक एसिड के साल्ट क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक साल्ट है, ओके ध्यान देना। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल देखो बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है जब NaOH को आपने एक्वस सॉल्वेंट में यूज किए, ओके। अगर आपने NaOH को अल्कोहलिक सॉल्वेंट में यूज किए बच्चे, इफ अल्कोहल में आपने NaOH यूज किए हो तो बनेगा क्या बेटा? आर ओ एन ए, आर ओ एन ए मीन्स एल्कोक्साइड आयन और एन ए प्लस। तो यहां आप न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस कौन है बेटा? एल्कोक्साइड आयन। और एक्वस मीडियम में लुईस बेस कौन है बेटा? OH माइनस आयन। तो ये दो बातें पहले क्लियर करो भाई। अच्छा क्वेश्चन यहां एक बनता है बेटा कि गिव द रीजन व्हेन एक्वस NaOH यूज्ड ऑन मोनोहेलोएल्केन ऑब्टेन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट अल्कोहल बट इन प्लेस ऑफ एक्वस NaOH टेक अल्कोहलिक NaOH इन प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्या बन रहा है बेटा? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो बेहतरीन मैकेनिज्म है। तो दो बातें अभी तक मैंने क्लियर किया हूं सिस्टमेटिक। तो एक्वस NaOH है तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा? OH माइनस। और अल्कोहलिक NaOH है तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा? RO माइनस। न्यूक्लियोफाइल मीन्स लुईस बेसिस। और याद रखना बेटा, आपको मालूम है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है ये बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है बेटा। केमिस्ट्री का रूल है कि जो बेसिसिटी होता है बेटा, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो याद रखना बेटा OH माइनस में H अटैच है ऑक्सीजन से, ये नेगेटिव चार्ज एक्चुअल ऑक्सीजन पे है। और RO माइनस में ऑक्सीजन से क्या अटैच है बेटा? R। तो R का कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस आई, धक्का मारो इफेक्ट। तो याद रखिए, अगर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन लोन पेयर देना चाहता है और एल्कोक्साइड आयन भी लोन पेयर देना चाहता है तो कौन रैपिडली लोन पेयर देगा? एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन से कौन अटैच है बेटा? ये रेडिकल अटैच है। तो रेडिकल अपने पुशिंग या इंडक्टिव इफेक्ट से इस लोन पेयर रिलीजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ा देगा। इसलिए बेटा OH माइनस और RO माइनस में दो बातें दिमाग में रखो, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, ये एक्वस मीडियम में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल मीडियम में NU माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है कौन? OH माइनस। और ये लार्ज बल्की न्यूक्लियोफाइल है बेटा, बल्की बल्की न्यूक्लियोफाइल है, लार्ज न्यूक्लियोफाइल है कौन बे? एल्कोक्साइड, क्योंकि R अगर आपने बड़ा ले लियो बेटा टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल या आइसोप्रोपाइल या एथाइल, तो ये बड़े आर है यार, बड़े आर जहां होंगे बड़े रेडिकल्स होंगे, प्लस आई फिर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसको रिलीज करने का पावर ज्यादा होगा। तो बेटा ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, और ये बल्की न्यूक्लियोफाइल है कौन? RO माइनस। ये बेटा इसके कंपेयर में OH माइनस के कंपेयर में जो RO माइनस है
समझ ले, OH माइनस के कंपेयर में जो RO माइनस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दो 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 चीज पे ध्यान देना, ये स्मॉल है, बल्कि है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। बस यही राज छुपा है। अरे कौन सा राज रे, कि जब आप अल्कोहलिक NaOH या KOH लेते हो तो एल्किन्स बनते हैं थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन, और जब आप एक्वस NaOH या KOH ले रहे हो तो बेटा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अल्कोहल बन रहे हैं। तो राज छुपा है ये देखो, एक्वस NaOH में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, अल्कोहलिक NaOH में न्यूक्लियोफाइल RO माइनस, OH माइनस इस्माल ये बल्कि ये वीक और ये स्ट्रॉन्ग। बस यही का यहीं से बेटा प्रोडक्ट का नेचर चेंज होता है। तो चलो अब ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो बेटा हेलो एल्केन पे अल्कोहलिक NaOH लोगे एल्कोक्साइड आयन मिलेगा जो एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, बड़ा है, जाड़ा है, जाड़ा और स्ट्रॉन्ग बेस है कंपेयर देन OH माइनस। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब यही देखो बेटा लॉजिक, चलिए अब कर रहा हूँ ध्यान देना, हमारा टॉपिक क्या था आज अच्छे समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दम ले ले, दम ले ले, एक बार रिवाइज मार ले, अपने मन को लगा ले बेटा इधर, अब देख ले। चलो रिएक्शन करवा देते हैं। तो चलिए बेटा एक बल्कि एक आपका हेलो एल्केन आर सी, आर सी एच टू सी एल, और बेटा ये आर के प्लेस पे मिथाइल ले लो। चलो यार ये क्लोरो एथेन है भाई, क्लोरो एथेन है बेटा। क्लोरो प्रोपेल ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बेटा बीटा, ये बीटा, ये अल्फा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन, ओके, दिस बीटा हाइड्रोजन, दिस अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहां आपका अल्कोहलिक NaOH लियो आपने, क्या लियो भैया, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक NaOH है तो आपके पास बेटा अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में ये है बेटा आपका इलेक्ट्रोफाइल Na प्लस और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा RO माइनस, जो अभी बता चुका हूं, ये है बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब देखिएगा जो RO माइनस है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये Na प्लस तो ये RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, तो इसको देखो ये बल्कि भी है, बल्कि बड़ा है, जाड़ा है, मोटा है रे, बल्कि है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेटा आपको मालूम है जनरल वे में होता क्या है, सोडियम प्लस को अभी बाद में बात करते हैं इसकी, चलो सोडियम प्लस और अल्कोहलिक NaOH में जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा आर ओ माइनस है, बल्कि है, मोटा है, इस पर ध्यान देना, या स्टेरिक हिंड्रेंस फिनामिना आएगा बेटा। तो ये बल्कि जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन तक पहुंच नहीं पाता है, इस कार्बन तक आने में बहुत टाइम, क्योंकि बेटा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सी एल माइनस एनादर एनायन के रूप में रिलीज होगा, यही हेलो एल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यह सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि RO माइनस बल्कि होने के कारण, बल्कि होने के कारण इस कार्बन पर अटैक करने में अनेबल है, असमर्थ है, तकलीफ में है, बल्कि है। और बेटा यहीं अगर आप एक्वस NaOH लेते हो तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा OH माइनस प्लस Na प्लस स्मॉल चांद्री न्यूक्लियोफाइल है, घुस जाता है यहां इस डेल प्लस कार्बन पे अटैक करने में सक्षम होता है बेटा, कौन OH माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, चलो तो बड़े RO माइनस यहां अटैक करेगा नहीं क्योंकि बल्कि है, करेगा भी तो बहुत कम परसेंटेज में चांसेस है,
बहुत कम परसेंटेज में चांसेस उसके अटैक करने के, क्योंकि बल्कि है स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। इस कार्बन, ये कार्बन बेटा ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, या जो अदर इससे ज़्यादा सराउंडेड है, और ये बहुत ही बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, हाई स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाता। तो ये बेटा Cl- को रिप्लेस या हेलाइड आयन को रिप्लेस नहीं कर पाता, करता भी है तो बहुत कम परसेंटेज में करता है। तो होता क्या है बेटा, समझना, अब ये है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो हमेशा लालायित रहते हैं, जो बेस है वो लुइस बेस है स्ट्रॉन्ग, तो लुइस एसिड ढूंढता है यहां, तो ये क्या करता है, तो चलो बेटा Cl- दो रीजन, एल्कोक्साइड आयन के पास दो फैक्टर से बता रहा हूं मैं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यह सब्स्टिट्यूट उससे नहीं होता, कम परसेंटेज में होता है, एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, सब्स्टिट्यूशन रेयर प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, 90-10 या 80-20 के रेशियो बनते हैं बेटा। हम लोग जनरली अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें मेजर प्रोडक्ट ज्यादा काउंट करता है बेटा, तो ध्यान देना, ये तो एक रीजन क्या हुआ है, बल्कि है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेटा ये प्रोटॉन एफिनिटी, प्रोटॉन के साथ एफिनिटी शो करेगा। तो बेटा ये Cl- ये जो बीटा हाइड्रोजन से बेटा ध्यान दो, ये बीटा हाइड्रोजन, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बीटा हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में रिलीज करवा रहा है, तो बना गया बेटा ROH। ROH क्योंकि ये प्रोटॉन के साथ ग्रेट एफिनिटी शो करेगा, वाय स्ट्रॉन्ग बेस है, और क्यों इस कार्बन पे अटैक करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा बेटा, क्योंकि ये बल्कि है तो वहां तक पहुंचने में तकलीफ है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो बोले मेरे खुद की वैलेंसी को मेकअप कर रहा है, तो बोले चलो यार ये बीटा हाइड्रोजन तू आ जा, बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा हाइड्रोजन को जैसे रिप्लेस करेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड खाली हुआ, अब ये सिग्मा बॉन्ड यहां ट्रांसफर होने जाएगा, तो ये Cl- यहां से रिलीज होगा, और रिलीज होकर किसके साथ बाइंड होगा बेटा, सोडियम प्लस के साथ। तो ध्यान दीजिए आप जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, NaCl बन जाएगा, और जो बेटा मेन प्रोडक्ट है देखिए, दिस CH2 लेफ्ट है इधर, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया प्रोपीन बेटा। इसमें सब्स्टिट्यूशन वाले भी प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल आप बना सकते हो, अरे वाला अल्कोहल नहीं है तो जो रिएजेंट लियो, जो सॉल्वेंट लियो उसका अल्कोहल है, ये बन गया बेटा प्रोपीन, ये NaCl बाई प्रोडक्ट, तो ये एक्चुअल रिएक्शन है। तो बेटा देखो ये बल्कि है, बल्कि है तो इस कार्बन पे अटैक करने में टाइम लेगा, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो अपनी वैलेंसी को मेकअप करने के लिए स्ट्रॉन्ग लुइस बेस है, तो बेटा ये प्रोटॉन को रिसीव कर लेगा, प्रोटॉन को लोन पर डोनेट कर देगा, वाला लोन पर इस प्रोटॉन बीटा हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस करेगा प्रोटॉन फॉर्म में, उसको डोनेट कर देगा। तो बेटा ये जो है आपका RO, ये किस फॉर्म में आ गया, अल्कोहल बेटा। तो ये अल्कोहल है आपको दिखाया नहीं जाता, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है, लेकिन ये सॉल्वेंट वाला अल्कोहल है, सॉल्वेंट का जो एल्कोक्साइड आयन है वो अल्कोहल में चेंज हुआ है, ये है एक्चुअल रिएक्शन। अब होता क्या बेटा, तो ये किस कंडीशन में मैकेनिज्म बताया, जब आपने अल्कोहल ही NaOH यूज किया हो, लेकिन बेटा अगर आप एक्वस NaOH यूज करते हो, इसको काउंट कर ले बेटा, एक्वस NaOH यूज करते हो तो फाइनल बात ये बल्कि है, इस डेल प्लस कार्बन पे अटैक करने में ज्यादा रैपिड एक्शन शो नहीं करता, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो यहां से जुगाड़ करता है, अपनी वैलेंसी को मेकअप करता है, बीटा हाइड्रोजन को बोले प्रोटॉन फॉर्म में आ जा तू, ये बन गया बेटा RO और ये अल्कोहल बन गया, और जैसे ये बीटा हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर्म में रिलीज होगा बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड या पाई के फॉर्म में कार्बन की फोर वैलेंसी को मेंटेन करने आएगा, तब ये क्लोरीन रिलीज होकर मीडियम में आएगा और सोडियम कैटायन मेटल के साथ यानी HCl बाई प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन बच्चा अगर आपने क्या लिया भाई, यही सेम कंपाउंड दे रहा हूं बेटा मैं, 2-chloroprolefin, आप क्लोरोएथेन दे दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट यही है कि ये बल्कि है और स्ट्रॉन्ग बेस है, बल्कि है तो टेट्राहेड्रल कार्बन पे अटैक करने में तकलीफ है,
क्योंकि हेलोइलेक्ट्रिक कार्बन तो टेट्राहेड्रल ही होगा जो डेल प्लस कार्बन है, बहुत रेयर अटैक करना चाहता है और अपनी वैलेंसी को मेकअप करने के लिए जुगाड़ को बीटा हाइड्रोजन प्रेशर डालता है, बोले मैं स्ट्रांग बेस हूं तू आ जा, प्रोटॉन खींच लेता है वहां से, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है बेटा, याद रखिएगा। अब बेटा तो वही है, टू क्लोरोप्रोपेन है, 1 2 3 टू क्लोरोप्रोपेन, अल्टा सीधा विदा ऐसा आड़ा कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। और इसमें आप डाल रहे हैं बेटा क्या, एक्वस एनिमोज। अब एक्वस एनिमोज में न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, OH माइनस एंड एन ए प्लस। अब होता क्या है कि एन ए प्लस जो है और OH माइनस, तो ये बेटा स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर देन आर ओ माइनस, तो ये बेटा ये अटैक कर देता है इधर, चलो घुस जाता है या इंटर करने के लिए उसके पास स्पेस मिल जाता है, इस टेट्राहेड्रल कार्बन पर अटैक करने के लिए इसको स्पेस मिल जाता है। दूसरी बात, इसका इंटरेस्ट ये वीक बेस है कंपेयर देन आर वो माइनस, तो बेटा इसका इंटरेस्ट प्रोटॉन रिलीज करने में नहीं है, सीधे अटैक करने में, छोटा है तो घुस जाता है किस पर, डेल प्लस कार्बन पे, और सी एल माइनस आयन को रिलीज कर देता है। सी एल माइनस आयन रिलीज होगा तो क्या बेटा, एन ए प्लस के साथ बाइंड होकर यानी सी एल बना लेगा भाई, ओके बच्चे। और देखिए बेटा प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाए क्या, सी एस थ्री सी एच ओ एच, तो यहां मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्रोपीन, और यहां मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा, टू प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो यह है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यह है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का रीजन, फाइनल रीजन, इतना पूरा बेटा हम लोगों ने बकर किए भी यहां, तो मेन रीजन क्या है बकर, मैं तब बोलता हूं जब आप केवल सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे। तो सीधे याद रखना कि वाई वेन अल्कोहल एनिमेज यूज ऑन मोनोहेलो एल्केन, वाई ऑप्टेन एल्किन, वाई एलिमिनेशन अकर्ड, रीजन आर ओ माइनस इज द बल्की एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बल्की है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट डेल प्लस कार्बन पर अटैक करने में डिलेट करेगा या बहुत कम अटैक करेगा, करेगा जरूर, करेगा तो अल्कोहल बनाएगा इसी टाइप से, लेकिन वो एक माइनर प्रोडक्ट होता है, इसका ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेटा ये बीटा हाइड्रोजन जो है, बीटा हाइड्रोजन, उससे बीटा हाइड्रोजन को प्रोटॉन फॉर्म में रिलीज करवाएगा जबरदस्ती, बोले मैं स्ट्रॉन्ग लुइस बेस और मुझे चाहिए एक प्रोटॉन, इससे आज खींच लेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड वैकेंट होगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका प्रोपीन बन गया, अल्कोहल तो सॉल्वेंट फॉर्म में फिर से वापस चले जाएगा, ठीक है। तो ये इसके रीजंस है, याद रखिएगा, छाप ले बेटा। अब देखो बेटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में एक क्वेश्चन है हमारे पास, चलिएगा, ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, एलिमिनेशन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर 4R more than 4 कार्बन एटम होंगे बेटा, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में या एलिमिनेशन में जो एल्किन बनाओगे सेटजेप रूल से बनाओगे, उसी को जस्टेव रूल बोलते हैं। दूसरे एक बेहतरीन चीज याद रखिएगा, बता रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, द रेट ऑफ इलिमिनेशन ऑफ वेरियस मोनोहेलो एल्केन या इजी ऑफ एलिमिनेशन या इजी ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो ध्यान दीजिए बेटा, आपको दे दिया, चलो सी एस थ्री सी एल क्लोरोमेथेन, सी एस थ्री सी एच टू सी एल क्लोरोएथेन, सी एस थ्री, याद रखिए द रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं, दिस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये 2 डिग्री है बेटा, ये क्लोरोमेथेन है, बहुत ही प्यारा पॉइंट, ये 2 methyl 2 chloropropane या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और बेटा ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आप देखिए बेटा ये 4 options आपके बेहतरीन क्वेश्चन है नीट एग्जाम्स के लिए, एनसीईआरटी बोर्ड वाले भी चेक कर लेना।
विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट कैन सो इजी एलिमिनेशन. तो याद रखना बेटा, रेट ऑफ एलिमिनेशन, देखो ये कौन सा एलिमिनेशन है बेटा, बीटा एलिमिनेशन. क्योंकि हेलोजन फंक्शनल ग्रुप रिलीज होने के बाद जो नेक्स्ट एटम रिलीज होगा वो हाइड्रोजन होगा, और कहाँ का होगा बेटा, बीटा कार्बन का, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं. ओके, अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, ये बीटा, तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3. यहाँ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6. यहाँ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 9. वे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ एलिमिनेशन, द रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्किन इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली. तो याद रखिए बेटा, अगर कौन जल्दी एल्किन बनाएगा, अच्छा इनमें सेडजेब रूल से एल्किन कौन बनाएगा, ये वाला, क्योंकि 4 कार्बन है, यहाँ सेडजेब रूल की जरूरत नहीं है, ऐसी सिंपल वे में जो प्रोडक्ट बनेगा वही करेक्ट होगा. ठीक है बेटा, तो यह है बेटा रेट ऑफ एलिमिनेशन वेन नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेस. ठीक है बेटा, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ बीटा कार्बन 3 है, और बीटा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 9 है. वे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे बेटा, तो याद रखिए बीटा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एलिमिनेशन भी बढ़ेंगे. समझ में आ रहा है, कंजूसी नहीं करेगा ना, बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए तो जो आपका हेलो एल्केन है बीटा हाइड्रोजन को H प्लस रिलीज करने में कंजूसी नहीं करेगा. किसको देने के लिए, एल्कोक्साइड बेस को, आरओ माइनस को देने के लिए. ओके, और आरओ माइनस इस कार्बन पे अटैक करना धीरे धीरे, देखो दूसरी बात बेटा, यहाँ भी आरओ माइनस इस कार्बन पे अटैक करना चाह रहा है, यहाँ भी आरओ माइनस इस कार्बन पे अटैक करना चाह रहा है, यहाँ भी आरओ माइनस जो अल्कोहलिक मीडियम का न्यूक्लियोफाइल है. तो बेटा देखो, ये कार्बन ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा क्योंकि 3 मिथाइल से सराउंडेड है, ये कार्बन इससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेगा, 2 मिथाइल सराउंडेड है, ये 1 मिथाइल से, और ये इसमें चांसेस है कि यह अटैक कर दे, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है. ओके, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, वे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्केन इंक्रीजेस. ये ऑर्डर लिख लीजिए प्लीज, ये ऑर्डर लिख लीजिए बेटा, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेरियस मोनोहेलो एल्केन इंक्रीजेस टुवर्ड्स इंक्रीज बीटा हाइड्रोजन. ठीक, और बेटा एक बात और, आपके पास आर आई है, आपके पास आर बी आर है, आपके पास आर सी एल है, आपके पास एल्काइल फ्लोराइड है, एल्काइल क्लोराइड है, एल्काइल ब्रोमाइड है, एल्काइल आयोडाइड है. बोला भैया कि किसके लिए रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, तो आर आई लगाइएगा, आर आई लगाइए. रीज़न, आयोडीन बड़ा साइज है, तो फिर से इसके कार्बन पे, फिर से इसके कार्बन पे जो आरओ माइनस है पहुँचने में लेट करेगा, डिलेड स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा बेटा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है. जैसे यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, या हेलोजन फिक्स करके रखा हूँ या हेलोजन चेंज करके रखा हूँ. तो याद रखना बेटा, और दूसरी बात है, यहाँ सी आई बॉन्ड है, यहाँ सी बी आर बॉन्ड है, यहाँ सी सी एल बॉन्ड है, आर का सी एम है, आर का कार्बन है बच्चे, और यहाँ सी एफ बॉन्ड है. तो बेटा कौन जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, सी आई बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, आयोडीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है. तो यहाँ भी दो दो रीजन है बेटा कि कौन जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन शो करेगा, तो आयोडीन एल्केन. रीजन नंबर एक, आयोडीन क्या है बेटा, बड़ा साइज का है, तो आरओ माइनस इसके कार्बन पे डिलेड अटैक करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पे एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा होंगे. ओके बच्चे, ठीक है. तो ये बेटा रेट ऑफ एलिमिनेशन. चलो बोथ ऑर्डर्स काउंट, दोनों ऑर्डर काउंट कर ले बच्चे, चले छाप ले. नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, रेट ऑफ एलिमिनेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किन इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली. ठीक हो गया बेटा, अब ध्यान देना, टाइम दू, चल 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 अच्छे से समझ ले, पुराना थोड़ा रिवाइज कर ले. चलिए बेटा, हो गया. चलिए बेटा एक रिएक्शन और लेता हूं मैं. देखो आज का जो पीरियड है, एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, एनसीईआरटी बोर्ड वाले चेक करें ज्यादातर. एमपी बोर्ड में सिंपल रिएक्शन
क्लोरोएथेन दे देगा, अल्कोहल एनिवज अल्कोहलिक एवज डाल देगा, एल्किन बना दीजिएगा, काम खत्म। और एक्वस एनिवज एक्वस किया है तो अल्कोहल बना लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, चल ठीक। बेटा मैं चर्चा करूंगा बेटा हॉफमैन रूल पर, बेटा हॉफमैन रूल आल्सो रिलेटेड टू द एलिमिनेशन प्रोडक्ट। कल के प्रीवियस लेक्चर में बात किया था मैंने बेटा किसकी, सेडजेप रूल की। सेडजेप रूल क्या बोलता है कि बेटा जब भी एल्किन बनेंगे, मोर एल्काइलेटेड एल्किन बनेंगे, ऐसे एल्किन बनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन से मैक्सिमम रेडिकल या मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स मींस रेडिकल अटैच हो, क्योंकि ऐसे एल्किन बेटा ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब याद रखना बेटा हॉफमैन रूल क्या है, ये भी एल्किन के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल बेटा मैं एक बड़े मॉलिक्यूल्स पे पूछेगा, ये ध्यान दीजिए, ये फ्लोरीन, ये बेटा टू फ्लोरोब्यूटेन, दिस इज टू फ्लोरोब्यूटेन इज आल्सो द मोनो हेलो एल्किन, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, यहां रख दिया बेटा मैंने क्या, अल्कोहलिक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है तो अल्कोहलिक एनिवज यूज कर लिया भाई। देखो ये बेटा अल्कोहलिक एनिवज, आपको मालूम है यहां न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल का एल्कोक्साइड आयन कैसे रिएक्शन हुई थी, कैसे एल्कोक्साइड बनेगा इसके पहले बता चुका हूं मैं। और बेटा ये Na+, यहां का न्यूक्लियोफाइल है बेटा। तो देखिए अब ध्यान देना, ये देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा, ये भी बीटा, और ये क्या बेटा, ये गेमा कार्बन है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग पूरी थ्योरियां पढ़ा रहे हैं, और बीटा एलिमिनेशन ही मोस्टली होता है बेटा इन एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अल्फा से तो ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप निकल ही रहा है, तो सेकेंड वैलेंसी आप बीटा से निकालेंगे हाइड्रोजन फॉर्म में, प्रोटॉन फॉर्म में, हाइड्रोजन को प्रोटॉन फॉर्म में रिलीज करेंगे। तो बेटा आपको क्या लगता है कि आप देखो, मैं पहले सेडजेप रूल से प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कितने कार्बन है बेटा, फोर कार्बन, दिस फोर 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 फोर, तो हमको मोर एल्काइलेटेड एल्किन बनाना है, तो ये बनाओगे आप, सॉरी ये बेटा ब्यूट टूइन आप यहां बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई, ब्यूट टूइन बनाएंगे। ये किस रूल के अकॉर्डिंग बनाया बेटा आपने, सेडजेप रूल। देखो डबल बॉन्ड कार्बन से दो रेडिकल अटैच है, लेकिन बेटा हॉफमैन रूल से जब ये प्रोडक्ट बनाओगे तो ऐसा बनेगा, क्यों बनेगा इसके बाद बताऊंगा। हॉफमैन ये टू ब्यूटेन बनाए बेटा, इसके दो प्रोडक्ट आप बना सकते हो, एक ये वाला प्रोडक्ट, ध्यान देना अच्छे से, एक आर हुआ, ये हाइड्रोजन, फोर कार्बन हेलो एल्केन में, तो फोर कार्बन वाला एल्किन बनेगा, ये बना बेटा ब्यूट टूइन। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा, सेटजेप प्रोडक्ट, सेडजेप रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और सेडजेप रूल ही आपको फॉलो करना है, ओके ओके। लेकिन बेटा इन दिस रिएक्शन इन केस ऑफ फ्लोरो एल्किन सेडजेप रूल, बेटा अगर आपने फ्लोरो एल्किन लियो, हॉफमैन रूल का मैं अभी डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है, हॉफमैन रूल का मैं भी डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले समझ ले तब लिखाऊंगा। अब देखिए बेटा मैं एक और प्रोडक्ट बना रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस बेटा वन ब्यूटीन, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है बेटा, हॉफमैन रूल प्रोडक्ट है ये, जो किसके एंटी है बेटा, देखो इसमें एक इथाइल आर है, डबल बॉन्ड कार्बन से एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स या रेडिकल अटैच है, और उसमें डबल बॉन्ड कार्बन से दो सब्स्टिट्यूएंट्स या रेडिकल अटैच है, ये ज्यादा स्टेबल एल्किन है तो इसको ज्यादा बनना चाहिए, और यही सेडजेप रूल है। लेकिन बेटा इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में इनकेस ऑफ फ्लोरो एल्केन, इनकेस ऑफ फ्लोरो एल्केन, अगर बेटा यहां क्लोरो होता, यहां ब्रोमो होता, यहां आयोडो होता, तो यही मेजर था, यही मेजर प्रोडक्ट था, लेकिन इनकेस ऑफ फ्लोरो एल्केन ये मेजर नहीं है, ये माइनर प्रोडक्ट है, यह है बेटा मेजर प्रोडक्ट, 90% के अबव वाला प्रोडक्ट है। जबकि जो एलिमिनेशन में जो एल्किन बनाओगे वो मेनली किस रूल से बनाओगे बेटा, आप सेडजेप रूल से ही बनाओगे, चाहे क्लोरो एल्किन वाली कंडीशन हो, ब्रोमो वाली हो, आयोडो वाली हो, लेकिन जब फ्लोरो एल्किन वाली कंडीशन आती है
तो बेटा आपको देखना पड़ता है एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो होता क्या है, समझ लो ये मेजर क्यों बना और ये माइनर क्यों बना, जबकि कल तक का रूल था कि जब, लेकिन याद रखना यहाँ क्लोरीन होता तो यही मेजर होता, यहाँ ब्रोमीन होता तो यही मेजर होता, यहाँ आयोडीन होता तो यही मेजर होता, लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरोएल्केन ये माइनर प्रोडक्ट और ये क्या है बेटा, मेजर प्रोडक्ट है। समझ ले रीजन, समझ ले आप। अब होता क्या है बेटा, ध्यान दो, फ्लोरीन आपको मालूम है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर ध्यान दे अच्छे से, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्स चलता है बेटा। अब फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है बेटा, माइनस आई, फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है माइनस आई, और ये मिथाइल रेडिकल है बेटा आर, इसका कौन सा इफेक्ट है बेटा प्लस आई। तो आप मुझे बताइए, देखो ये अल्फा के बाद ये भी बीटा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है। मैं आपसे पूछता हूं, ये बीटा हाइड्रोजन ज्यादा पोलर होगा कि ये बीटा हाइड्रोजन ज्यादा पोलर होगा? देखो बेटा ये फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, फ्लोरीन कार्बन से अटैच, ये अल्फा कार्बन, ये माइनस आई इफेक्ट, ये हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन बेटा बीटा, तो ये अट्रैक्शन पुल काम कर रहा है, तो अट्रैक्शन पुल तो इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर, ये खींच रहा है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब ये खींचेंगे बेटा आप, अट्रैक्शन पुल, इंडक्टिव इफेक्ट का अट्रैक्शन पुल यहाँ प्रोड्यूस होगा, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा बेटा, टुवर्ड्स कार्बन, तो हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में रिलीज होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला बीटा हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर्म में रैपिड रिलीज होगा कि ये बीटा हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर्म में रैपिड रिलीज होगा? यहां का सीएच बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा कि ये वाला सीएच बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा? तो आप बता दे बेटा, देखो इस कार्बन से कौन अटैच है बेटा, ये रेडिकल, और इस रेडिकल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट है, ये तो खींच रहा है फ्लोरीन तो खींच रहा है, लेकिन ये जो रेडिकल है मिथाइल रेडिकल, इसका प्लस आई इफेक्ट इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो यहां सीएच बॉन्ड लेस पोलर होगा, ओपन कर दे रहा हूं, यहां सीएच बॉन्ड लेस पोलर होगा और यहां सीएच बॉन्ड मोर पोलर होगा, मोर पोलर होगा यहां सीएच बॉन्ड, ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा ध्यान देना, ये ज्यादा ट्रांसफर होगा टुवर्ड्स कार्बन, तो यहां प्लस के रूप में रिलीज होगा। तो याद रखना बेटा, ये है 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन और ये क्या है बेटा 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन जो, ये पूरा आज का टॉपिक 12th बोर्ड वालों के लिए नहीं है, जिनको नीट एग्जाम देना है उनके लिए है, ठीक है? तो बेटा ये बीटा हाइड्रोजन, इसको फिर ओपन कर दे रहा हूं बच्चे, ये मोर एसिडिक है बेटा, ये रैपिडली एच प्लस फॉर्म में रिलीज होंगे, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, बीटा एलिमिनेशन तो करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट तो करना है, तो इस बीटा से करोगे, इस बीटा से करोगे, तो इस बीटा से करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि ये जो टर्मिनल बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन ज्यादा पोलर है, जबकि ये जो सब टर्मिनल बीटा हाइड्रोजन है ये कम पोलर है, क्योंकि इधर मिथाइल सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को पुश कर इस पर डेंसिटी बढ़ा देता है, इस पर डेंसिटी बढ़ाएगा तो ये वाले बॉन्ड की पोलरिटी कम हो जाएगी और इस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि खींच तो इधर से भी रहा है, खींच इधर से भी रहा है, लेकिन इस, ये देखो बेटा ये जितना भूखा होगा कार्बन इधर से इस इलेक्ट्रॉन को उतना खींचेगा, अब ये आर ने अपने तरफ से पुश करके इधर डेंसिटी को बढ़ा दिया है, तो अब ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा हाइड्रोजन के, जबकि ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अधिक खींचेगा, अधिक खींचेगा तो ये एच प्लस के रूप में रिलीज होगा। नहीं ऐसा नहीं, ठीक? तो बेटा आप क्या आप 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेट कराओगे या 1 डिग्री, या 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन बेटा एलिमिनेट कराओगे, 1 डिग्री एलिमिनेट कराओगे, कोई एक किसके फॉर्म में निकाल दी बेटा एच प्लस, एच प्लस किसके साथ आएगा आर वो माइनस, यहाँ प्रोडक्ट क्या बना बेटा, यहाँ भी आर वो एच, यहाँ भी प्रोडक्ट आर वो एच बनेगा, लेकिन अब ये यहाँ बॉन्ड के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या बना बेटा मेजर प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन, ओके, और माइनर प्रोडक्ट 2 ब्यूटीन, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा हाफमैन प्रोडक्ट, और ये कौन सा प्रोडक्ट बेटा सेटजेप। मोस्टली आपको जब भी हेलो एल्केन का एलिमिनेशन करना है और बड़े हेलो एल्केन है, 4 और मोर देन 4 कार्बन वाले हैं, तो आप जो एल्किन बनाओगे वो सेटजेप रूल से बनाओगे, बट इन केस ऑफ फ्लोरो एल्केन यहाँ स्टोरी अलग है, फ्लोरिन हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, तो फ्लोरिन में जो 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन है बेटा, अगर फ्लोरिन
चाहे वो टर्मिनल पोजीशन में लगाओ, यहाँ लगाओ तो भी ये प्रोटर बनेगा, और ये इंटरमीडिएट अटैच है तो भी ये प्रोटर बनेगा। तो जो 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन्स होंगी वो ज़्यादा एसिडिक होगी कंपेयर देने 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन बेटा एच प्लस फॉर्म में रिलीज होना जल्दी पसंद करेगा, क्योंकि ये वाला सी एच बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, यहाँ एच प्लस ग्रुप में जल्दी रिलीज होगी। जो आर ओ माइनस है इस 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन के प्रोटॉन को खींच लेगा, क्या बना लेगा बेटा, अल्कोहल। तो हाफमैन रूल क्या है, हाफमैन रूल लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ फ्लोरो एल्केन, इन द केस ऑफ फ्लोरो एल्केन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन कम ड्यू टू हाई एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन कंपेयर देन 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन, 1 डिग्री बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन, देन 1 ब्यूटीन प्रोडक्ट ऑब्टेन अगेंस्ट सेट जेप प्रोडक्ट, ये 1 ब्यूटीन यहां बनेगा बेटा, इसको हाफमैन प्रोडक्ट बनेंगे। और किस कंडीशन में इसको अप्लाई करना है, जब आपने फ्लोरो एल्केन अगर आप यूज करते हो इन प्लेस ऑफ क्लोरो ब्रोमो और आयोडो एल्केन, काउंट कर ले बेटा, चल एक बार टाइम दे रहा हूं, काउंट कर ले, छाप ले, चल बेटा चल जल्दी जल्दी कर, तो याद रखना बेटा यहां वो फ्लोरीन है तो वो बीटा हाइड्रोजन रिपीट रिलीज होगी जो ज्यादा एसिडिक है, तो दिमाग लगाना कि ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन कौन सी होगी। अब इस फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस कार्बन इस बीटा पे भी वही है, इस बीटा पे भी वही है यहाँ तक, लेकिन इस मिथाइल ने यहाँ डेंसिटी को बढ़ा दिया है तो ये सी एच बॉन्ड की पोलरिटी को कम कर दिया है, यहाँ सी एच बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो एच प्लस रैपिड रिलीज होगा, इसलिए 1 ब्यूटीन यहाँ मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके नीट जेई एग्जाम स्किल देख लो बेटा, ठीक है, ओके गाइस। तो बेटा आज हम लोगों का मोनोहेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज खलास बेटा। अब इसके बाद हम लोग ट्राई हेलो एल्केन डाई पे क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, डाई के कुछ चंद को चलो एक पीरियड में डाई हेलो एल्केन को कर दे दूंगा एक पीरियड, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद ट्राई हेलो एल्केन उसके बाद हेलो एरिन। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं बेटा, क्या द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ओके मोनो हेलो एल्केन का कंप्लीट हो चुका है बच्चे, अभी हम पढ़ेंगे बेटा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डाई हेलो एल्केन का, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई हेलो एल्केन। Advice.